दोस्तों, आपने किसी को स्पीड पोस्ट भेजी है और जिस व्यक्ति तक आपको पहुंचाना है उस तक स्पीड पोस्ट पहुंची है या नहीं, इसको कैसे पता करें कि आपकी स्पीड पोस्ट अभी कहां है। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर किसी को पार्सल भेजा है तो उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने स्पीड पोस्ट से भेजा है तो उसको हम ट्रैक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्पीड पोस्ट की वेबसाइट में आना होगा। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी बता दें, इंडियन पोस्ट ऑफिस है ये, जिसका काम बहुत ही धीरे होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि इंडिया पोस्ट की ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो काम करती है ये पार्सल का। अगर इसमें कभी भी पार्सल आपका कहीं रुक जाता है या फिर स्टक हो जाता है तो ऐसे में एक्शन लेने के बिना वो डिलीवर्ड नहीं हो पाता है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि आपका पार्सल कहाँ पे है, जिसके लिए आपको ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इस ब्राउज़र में आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट को सर्च करना है, indiapost.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अदरवाइज आप एक ऑप्शन और है आपके पास, इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग नंबर सर्च कर देंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ट्रैकिंग स्टेटस का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट नंबर डालना रहता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना रहता है। कैप्चा फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना रहता है। सर्च कर देने के बाद आपके सामने उसका ट्रैकिंग स्टेटस आ जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका कंसाइनमेंट नंबर क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, तो आपको मैं बता दूँ कि जब आपको पोस्ट ऑफिस से एक रिसिप्ट मिलती होगी जब आप बुकिंग करते हैं तो उस पर एक नंबर लिखा होता है जिसके शुरू में दो अल्फ़ाबेट होते हैं और लास्ट में दो अल्फ़ाबेट होते हैं, और लास्ट का अल्फ़ाबेट जो रहता है वो IN रहता है। IN मतलब होता है इंडिया, और शुरू के दो अल्फ़ाबेट वो कुछ भी हो सकते हैं, ARBCD या कुछ भी हो सकते हैं, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे आपको कंसाइनमेंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहां पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहां सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। सबसे ऊपर देख पा रहे हैं यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका बुकिंग डेट कौन सा है, आपका बुकिंग टाइम कौन सा है, अब बुकिंग आपने कहां से की है, वो सब चीजें यहां से शो हो जाएगी। आपका डेस्टिनेशन पिन कोड दिखा देगा, आपका टैरिफ दिखा देगा कितने रुपए का आपने टैरिफ करवाया है, या टैरिफ का मतलब है आपने बुकिंग में कितना पैसा दिया है, 106.20 रुपए आपका पैसा लगा है। आर्टिकल टाइप कौन सा है, स्पीड पोस्ट है। उसके बाद डिलीवरी लोकेशन दिखा रहा है, वाराणसी हेड ऑफिस। इस तरह दोस्तों आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो करंट स्टेटस अभी ये नेहरू नगर सब ऑफिस दिल्ली का दिखा रहा है, और जब यह डिलीवर्ड हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा डिलीवर्ड का। तो इस तरह आप इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर अपने किसी आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाके वहां पे आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं डिलीवरी रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।